1.5 से 2 इंच डायमीटर का होना चाहिए। मात्र 3 से 4 हजार रुपए आपके खर्च होने हैं। अगले 20 से 30 साल तक ओवरफ्लो के कारण वाटर टैंक का पानी लगभग 2 से 2.5 इंच मोटाई की यह सीट। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप मात्र 3 से 4 हजार रुपए में अपने वाटर टैंक को वातानुकूलित बना सकते हैं, क्योंकि घर में पानी की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक वाटर टैंक सभी के घरों के ऊपर आपको रखा हुआ दिखाई दे जाएगा, जैसे कि पिक्चर में आप देख भी रहे हैं। और एक सबसे बड़ी, सबसे विकट समस्या जो सभी के सामने रहती है कि सर्दियों के मौसम में टैंक के पानी को जब हम यूज करते हैं तो वह बहुत अधिक ओल्ड हो जाता है, जिसको हमें गीजर लगाकर गर्म करना पड़ता है। और गर्मियों के दिनों में वही टैंक का पानी इतना अधिक गर्म हो जाता है कि वह यूज करने के लायक नहीं रहता है। यानी सर्दियों के दिनों में हमें गीजर या हीटर चलाकर पानी को गर्म करना पड़ता है, और गर्मियों के दिनों में बार बार टैंक को खाली करके उसको फ्रेश वाटर से फिलिंग करना पड़ता है, जिस कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत बर्बादी होती है। और आपको विश्वास नहीं होगा, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि परिवार का प्रत्येक मेंबर 1 महीने में 15 यूनिट का खर्च मात्र वाटर टैंक की वजह से करता है। यानी किसी परिवार में यदि 10 मेंबर हैं तो प्रतिदिन 5 यूनिट वाटर टैंक की वजह से हमारी वेस्ट हो जाती हैं, और महीने में यदि देखा जाए तो 150 यूनिट हमारी केवल वाटर टैंक के पानी को गर्म करने में या उसको ठंडा करने में ही वेस्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस समस्या का समाधान आप स्वयं ही थोड़ी सी मेहनत करने के बाद 3 से 4 हजार रुपए में अस्थायी रूप से कर सकते हैं, जैसा कि आज प्रैक्टिकली रूप से हम अपने वाटर टैंक को एक वातानुकूलित टैंक कैसे बनाएंगे पूरा डेमो आपको दिखाएंगे। जैसा कि यह जीआई सीट का एक टैंक आप देख रहे हैं, और एक यह हिटलोन की कुछ सीटें हम मार्केट से लेकर आए हैं, और इन्हीं की मदद से इस टैंक को हम वातानुकूलित टैंक आपको बनाकर दिखा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि यह हमारा वाटर टैंक है। सिंपली आपको अपने वाटर टैंक का डायामीटर देखना है। जैसे हमारे इस टैंक का डायामीटर 40 इंच का है, तो इसके दोनों तरफ 2-2 इंच छोड़ेंगे तो आपको लगभग 44 इंच का डायामीटर का इस प्रकार का यह एक टैंक बनवा लेना। टैंक की नीचे से हाइट देखनी है कि टैंक यह है कितनी हाइट का है। इस टैंक की हाइट से लगभग 4 इंच ऊंचाई का यह मेटल का सिलेंड्रिकल आकृति आपको बनवा लेनी है। टैंक के एक साइड में आप देख रहे हैं कि इन वाटर है, और इस साइड में आप देख रहे हैं कि यह ओवरफ्लो के लिए पाइप यहां पर लगा हुआ है। टैंक को फिट कराते समय टंकी फिटिंग वाले से यह कहें कि जो ओवरफ्लो का पाइप आप लगा रहे हैं कम से कम यह 1.5 से 2 इंच डायामीटर का होना चाहिए। कुछ मैकेनिक ओवरफ्लो के पाइप को 1/2 इंच डायामीटर का लगा देते हैं, जिससे ओवरफ्लो का पूरा वाटर बाहर नहीं निकल पाता है। ओवरफ्लो के कारण वाटर टैंक का पानी ढक्कन से होते हुए उसकी सतह को छूते हुए निकलता। इस मेटल टैंक के इस साइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कटिंग की हुई है, क्योंकि टैंक के नीचे से आउटपुट के कई सारे पाइप लगे हुए होते हैं, 2-3 पाइप लगे होते हैं, तो उनके लिए इसको काट लेना पड़ेगा यहाँ से। यह पाइप आप देख रहे हैं कि टैंक के बिल्कुल नीचे की सतह से मिलते हुए लगाया गया है, जबकि इसका कोई यूज नहीं है, यहाँ से यह खाली है। दोस्तों, यह पाइप, यह कनेक्शन इसलिए दिया गया है कि जब भी कभी टैंक की सफाई करनी है तो आपको पूरा टैंक नहीं उठाना पड़ेगा, यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं और टैंक को पूरा खाली किया जा सकता है। यानी टैंक की जो नीचे तक की गंदगी है वह इस पाइप के द्वारा निकाली जा सकती है। यह टैंक की सफाई के लिए लगाया गया है, क्योंकि दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे यूजर एक बार टैंक को रखने के बाद सालों साल उसकी सफाई नहीं करते हैं और उसमें बहुत गंदगी जमा हो जाती है। तो टैंक की 6 महीने में 1 साल में सफाई करते रहना चाहिए, और यदि इस प्रकार का आप पाइप लगा लेते हैं सफाई करना आसान हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि इसके बनाने में कुछ भी भेदगिरी, कोई इंजीनियरिंग किसी प्रकार की नहीं है, किसी से भी आप इसको तैयार करा सकते हैं। और इस प्रकार की हिटलोन की सीट आप मार्केट से लेकर आ सकते हैं। हिटलोन की सीट न मिले, थर्माकोल की सीटें आसानी से मिल जाती है, और इस मेटल के टैंक के बीच की जो गैप है, जो जगह है, उसमें इसको भर देना है, जैसे कि यहाँ डालकर हम आपको दिखा रहे हैं।
दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि यह हाफ इंच की हमारे पास हिटलोन की सीट थी, तो हाफ हाफ इंच की दो सीट इसमें हमने फिल कर दी हैं। अभी कुछ और जगह बची हुई है तो हाफ इंच की एक सीट और इसमें डालनी है। ये जरूरी नहीं है कि आपको हाफ ही इंच की सीट लानी है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यदि आपका गैप 2 इंच का है तो आप 1.5 इंच की सीट लाकर डाल सकते हैं। यदि आपका गैप 3 इंच का है, जिन स्थानों पर अधिक सर्दी और अधिक गर्मी होती है, वह अपने टैंक और अपने मेटल टैंक के बीच में 3 इंच का गैप इधर रखें और 3 इंच का उधर, यानी चारों तरफ 3 इंच का गैप रखकर लगभग 2 से 2.5 इंच मोटाई की यह सीट फिलअप करें। और अभी एक सीट और इसमें हम डाल रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों इस कार्य को कंप्लीट करने के बाद इस JI सीट का ही एक ढक्कन भी इसी तरीके से तैयार करा लेना। ढक्कन देने से अब आपका टैंक पूरे तरीके से सुरक्षित है, बंदर आदि कोई जानवर भी अब आपके टैंक को नहीं खोल पाएगा। और ऊपर से भी, क्योंकि थर्माकोल भी लग चुका है, ढक्कन लग चुका है, तो ऊपर से भी आपका टैंक न ठंडा होगा और न ही गर्म होगा। ढक्कन के लगने से इसके अंदर बारिश का पानी या धूल मिट्टी भी नहीं जा पाएगा। वैसे पानी जाने से इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जो हिटलोन की सीट लगी है यह प्लास्टिक की है, पानी में यह खराब नहीं होती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि आप अपने समरसेबिल के द्वारा जमीन के अंदर से जो पानी लेते हैं उसका टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री होता है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। इतने ही टेम्परेचर के वाटर को हम यूज करते हैं, लेकिन उस फ्रेश वाटर को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच के वाटर को जब हम अपने टैंक में भर लेते हैं, सर्दियों का मौसम है, टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री सर्दियों में हो जाता है, तो हमारे टैंक का पानी भी कुछ देर के बाद 3 से 4-5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो हमारे यूज के लायक नहीं रहता है। न तो हम उसमें नहा सकते हैं, न ही गृहिणी कपड़े धुलाई का कार्य या बर्तन सफाई का कार्य भी नहीं कर सकती हैं, तो वह पानी गीजर के माध्यम से हमको गर्म करना पड़ता है, तब उसको हम यूज के लिए उपयोगी बनाते हैं। और आप जानते ही हैं कि गीजर के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है। उसी प्रकार गर्मियों में जिस समय बाहर का यानी छत का टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और हमारे टैंक के फ्रेश वाटर का टेम्परेचर भी कुछ देर के बाद 50 से 60 डिग्री हो जाता है, इतना गर्म होता है कि उसमें हाथ तक नहीं दिया जाता, फिर यूजर क्या करता है, उस पानी को वेस्ट करता है और फिर से फ्रेश वाटर अपने टैंक में भरता है, जिससे हमारी बिजली का कंजप्शन होता है। इस प्रकार दोस्तों एक व्यक्ति प्रतिदिन पानी के द्वारा आधी यूनिट का कंजप्शन करता है, जिसको वेस्ट कहा जाएगा। तो इस प्रकार एक व्यक्ति पर मंथ 15 यूनिट पानी को गर्म करने या ठंडा करने में ही वेस्ट कर देता है। और आपके परिवार में कितने मेंबर हैं, आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को कितना वेस्ट कर रहे हैं। जबकि यह कार्य जो इस वीडियो में आपने देखा है, यह कुछ भी कार्य नहीं है, मात्र 3 से 4 हजार रुपए आपके खर्च होने हैं और अगले 20 से 30 साल तक इसका कुछ भी खराब होने वाला नहीं है और आप 20 से 30 साल तक एक फ्रेश वाटर का यूज कर सकते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप 20-30 साल में अपनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट और अपना कितना इन्वेस्ट बचा सकते हैं। और दोस्तों इस कार्य के और इस टैंक के संबंध में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।